हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर विष्णु फिर से आ रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरप्राइज प्रोडक्शन में पार्ट लेटर पे सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें आज हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। तो जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसमें कहते हैं एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, फाइंड द एंगल्स। तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, इसके एंगल्स का रेशियो है आपको, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट रेशियो क्या लिया आपने, 3x रेशियो, 5x रेशियो, 9x रेशियो, 13x। एज वी नो दैट, तो ये सपोज कीजिए आपका 3x है, ये आपका 5x है, ये 9x है, ये आपका क्या है 13x। एज वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स यानी 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360। जैसा कि हमें बताया क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है 360 होता है, तो यहां से वैल्यू आपके पास क्या आएगी 17 एंड ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 360 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 30 यानी क्या आ जाती है x की वैल्यू आपके पास 12। देयरफॉर जो एंगल a है ये आपके पास 3 × 12 यानी 36 डिग्री, एंगल बी आपके पास रेशियो है 5x 5 × 12 यानी 60 डिग्री, एंगल सी है आपके पास 9 × 12 108 डिग्री एंड एंगल डी आपके पास है 13 × 12 यानी 156 डिग्री। ओके, और वेरीफाई करते हैं तो सभी का सम आपके पास क्या आएगा 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल, यानी कहता है भी डायगोनल्स आपके पास पैरेललोग्राम के क्या हैं, इक्वल हैं। गिवन में क्या राइट करेंगे, गिवन में हम राइट करेंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है देन इट इज ए, देन इट इज रेक्टेंगल, यानी आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके डायगोनल्स आपके पास इक्वल हैं, यानी डायगोनल आपके पास ए सी एंड बी डी आर इक्वल, प्रूव आपको क्या करना है, इट इज ए रेक्टेंगल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके वन एंगल को हम 90 प्रूव कर देते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एंगल 90 नहीं होता है, यदि पैरेललोग्राम के हम एक एंगल को 90 प्रूव कर देते हैं तो वो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप या तो ए बी सी डी में से किसी एक को हम क्या करते हैं 90 प्रूव करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस बेस के ऊपर तो ट्रायंगल हम कॉन्कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन में क्या किया आपने, टेक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी डी दो ट्रायंगल हम लेते हैं, तो यहां आपके पास क्या है ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये है कॉमन दोनों में, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये आपके पास क्या है अपोजिट साइड है, एंड ए सी इज इक्वल टू ये है बी डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, यानी डायगनल कैसे है आपके पास है, डायगनल इक्वल है, और देयरफॉर यहां से क्या आएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, विच प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपके पास आएगी एस एस एस, दिस इंप्लाइज क्या राइट कर सकते हो आप कि ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इस रिजल्ट से सी पी सी पी, बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस रिजल्ट से को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर, ये दोनों आपके पास पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो एंगल्स उनका सम आपके पास क्या होता है 180, ए और बी आपके पास दोनों ही इक्वल हैं, तो हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी की जगह आप ए राइट कर सकते हो, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमने प्रूव कर दिया इधर, तो यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ए इज इक्वल टू आपके पास आएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वन एंगल 90 है, ए बी सी डी जी क्या राइट कर सकते हैं, ए बी सी डी इज सच टाइप ऑफ
ऑफ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये आपको बिल्कुल समझना है, यदि किसी पैरेललोग्राम के आप एक एंगल को 90 प्रूव कर देते हो तो वह है आपका रेक्टेंगल बन जाता है। ये एक प्रकार से आपकी थ्योरी है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, कहते हैं सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। कोई क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं हम, इसमें जो इसके डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, इस पे बाइसेक्ट करते हैं 90 पे, तब आपको क्या प्रूव करना है, आपको इसको रोम्बस प्रूव करना है। आगे समझ में नाउ गिवन में क्या राइट करेंगे हम, गिवन में राइट करेंगे सबसे पहले ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी एंड बी डी जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल्स हैं वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, 3 एंड 4। तब आपको प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी इज रोम्बस। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, आपको सोचना कुछ ज्यादा नहीं है। तो रोम्बस की हमें पता है कि रोम्बस में जो प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं और सभी साइड इक्वल होती है, क्या होता है सभी साइड इक्वल, तो आपको ए बी बी सी सी डी और डी ए को आपको इक्वल प्रूव करना है। आगे समझ में, तो हम क्या करते हैं इसके लिए जो कंजुकेटिव आपके पास जो लगातार ट्राइंगल्स है उनको लेते हैं, यानी यहाँ ओ पे ओ पॉइंट लेते हैं। सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी, देखो भी हमने क्या लिखा है, बी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाइसेक्ट, डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू 90 डिग्री, फिर डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। एंड ओ बी इज द कुम नाम, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास कॉमन हो जाएगी। देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस से, और यहां से रिजल्ट क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, किस रिजल्ट से, सी पी सी टी, इसको नेम दे देते हैं हम वन। इसी प्रकार से सिमिलरली भी ट्राइंगल बी ओ सी को और डी ओ सी को लेते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी, सेम प्रॉपर्टी ऐसे एस, यहां से क्या आएगा बी सी डी सी के इक्वल आएगी, बी सी इज इक्वल टू डी सी, ये हो जाएगा नंबर टू। अब डी ओ सी आपके पास डी ओ ए के इक्वल है, सिमिलरली ट्राइंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ ए, डी ओ ए सेम प्रॉपर्टी, और यहां से रिजल्ट क्या आएगा कि डी सी आपकी डी ए के इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू डी ए, नंबर थ्री। अब लास्ट आपके पास रह जाएगा सिमिलरली ऐसे ही डी ओ ए इज इक्वल टू ए ओ बी, ट्राइंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ बी, ए ओ बी सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी सेम प्रॉपर्टी ऐसे, दिस इंप्लाइज आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा, ए बी सॉरी डी ए के इक्वल हो जाएगा, एंड बाई 1, 2, 3 एंड 4 क्या आएगा, बाई 1, 2, 3 एंड 4 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस। ये आपको प्रूव करना था, देखो सभी ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ए ओ बी को बी ओ सी को लिया,
दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, फिर ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, फिर ये दोनों इक्वल, तो 1, 2, 3, 4 से कह सकते हैं कि आप इसकी सभी साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास रोम्बस आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ द सो दैट, सो करना है भी, डायगनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर का डायगनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और आपके 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस आपके पास 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, यानी आपके पास एक स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर दे देते हैं एबीसीडी, ए बी सी डी, आपको प्रूव करना है इसके डायगनल इक्वल होते हैं। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है नंबर 1 डायगनल इक्वल, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। नंबर टू में कहते हैं डायगनल बाइसेक्ट ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट। नंबर 3 में कहता है ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आपके पास समझने से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये कहते हैं डायगनल इक्वल है, तो डायगनल इक्वल है मीनिंग इन दोनों ए बी बेस के ऊपर, किसी एक साइड के बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बने तो कंपोनेंट प्रूव कर दो, एनी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, आगे समझ में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या किया, स्क्वायर गिवन है तो आप हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगी। बी सी किसके इक्वल है, सभी साइड इक्वल, स्क्वायर की बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये आपके पास क्या है, बी साइड है, और ये एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपके पास क्या है, एंगल 90 डिग्री है, तो हमारे पास है साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से, एस ए एस भी राइट कर सकते हैं इसको, और हाँ ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी पी, क्या किया, एक बेस के ऊपर जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ए बी कॉमन आर्म है, बी सी डी ए के इक्वल है, साइड इक्वल होती हैं, और आपके पास एंगल ए और एंगल बी आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाता है कि डायगनल आपके कैसे आ जाते हैं, डायगनल इक्वल है, तो आपका फर्स्ट प्रूव हो जाता है। आप कहते हैं डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट के लिए आपको अपोजिट ट्राइंगल लेनी है, अपोजिट ट्राइंगल यानी सपोज क्या ओपे, यानी ए ओ बी एंड सी ओ डी, या बी ओ सी आर डी ओ ए। नाउ सेकंड के लिए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी, कौन कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी डी ओ सी, क्या राइट किया आपने भी, ये है आपके पास साइड, ये एंगल देखो, ये एंगल एंगल 1 ये एंगल 2 ओके एंगल 3 एंगल 4, ये रिजल्ट हम किसी और से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि जो हमें अप्लाई करेंगे वही हम क्या क्राइटेरिया लगाए, जरूरी नहीं है। एंगल 1 किसके इक्वल है, इसमें ए और बी पहले है तो एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, विच प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भी जेड बनता है आपको दिख रहा है, ठीक है। ए बी डी सी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड, अपोजिट सॉरी अपोजिट साइड नहीं सिर्फ साइड, तो सभी साइड इक्वल होती है, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी आपके पास कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपके पास, ठीक है, सिद्धार्थ आपको रिजल्ट गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी, विच क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपके सामने है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो सीपीसीटी से क्या रिजल्ट आएगा, दिस इंप्लाइज सीपीसीटी से आएगा कि ए ओ आपके पास ओसी के इक्वल है और ओ भी आपके पास ओडी के इक्वल है, आगे समझ में, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, ए ओ इज इक्वल टू ओसी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओडी, रिजल्ट क्या आएगा, सीपीसीटी, यानी
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सारे इक्वल। अब आपके पास लास्ट रहता है कि डायगोनल आपके 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट तो हमने दिखा दिया है, अब ये कहते हैं 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो 90 के लिए हम क्या करें, जैसे हमने प्रीवियस में किया था, इन्हीं दो ट्राइंगल्स को हम क्या लें, इन दोनों को हम ले लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूव कर देते हैं। कौन कौन से एंगल वन और एंगल है टू, और दोनों का सम 180 है। तो आपके पास क्या रह जाए, देखो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ओ सी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये साइड ये साइड ये साइड आर्म कॉमन है और ये इक्वल, एस 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 भी हो जाएगा, एस 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 मैंने लिखा दिए आपको डायरेक्ट बता दिया है। तो यहां से क्या आएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, सी पी सी टी, और दोनों का सम आपके पास क्या बनाता है, बट बट ए ओ बी, ए ओ बी को नेमिंग लिख किया है, कोई जरूरी नहीं है इसको ए ओ बी ऐड करना, एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वन और टू आपके दोनों इक्वल है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू 180, एंगल वन इज इक्वल टू क्या आएगा 90, देयरफॉर डायगोनल से डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ज्यादा कुछ था नहीं, सिंपल था, सबसे पहले एक बेस के ऊपर जो ट्राइंगल लिया उन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, एंगल आपके क्या डायगोनल्स आपके इक्वल आ जाते हैं। सेकंड में हमने कहते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट प्रूव करने हैं तो अपोजिट पेयर ले लो, चाहे वन पेयर अपोजिट है अप डाउन वाला चाहे आपका लेफ्ट राइट वाला, तो इससे आपके पास डायगोनल बाइसेक्ट बाइसेक्शन में आ जाते हैं। फिर कहते हैं डायगोनल 90 पे करते हैं तो आपको कंसेक्यूटिव ट्राइंगल्स लेने हैं, आपको इन दोनों को या तो इन दोनों को ले या इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को एस 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट, दो दोनों दो एंगल्स हो इक्वल आएंगे, लीनियर पेयर से पेयर ऐड कर सकते हैं, एक को 90 प्रूव कर सकते हैं। हेंस डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट एट ए राइट एंगल, यही हमें प्रूव होना था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो आपका फोर्थ का कन्वर्स है, यानी जहां हमें क्या गिवन था, हमें स्क्वायर गिवन था और तीन रिजल्ट प्रूव करने थे, यहाँ आपके पास क्या है, तीनों रिजल्ट गिवन है, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट है, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको इसको स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ आपके पास क्या है, गिवन सेक्शन में है, गिवन में ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए सी इज इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल इक्वल है, नंबर टू ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो हो गया, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है अभी ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए बी सी डी इज स्क्वायर, यानी प्रूव में देखते हैं सॉल्यूशन, ये आपके पास है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट स्क्वायर प्रूव करना है, मतलब इसकी साइड इक्वल दिखानी है आपको, तो क्या करें अभी अपोजिट ट्राइंगल ले लें, ठीक है, या आपके पास ए ओ बी एंड बी ओ सी लेंगे, बी ओ सी ले लो नो प्रॉब्लम, ये भी ले लो, फिर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इस ट्राइंगल में देखो भी आपके पास ए ओ ओ सी इक्वल है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्योंकि डायगोनल गिवन बाइसेक्टर रही है आपको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, डायगोनल आपके 90 पे पास करते हैं, ये भी आपको गिवन है, OB कॉमन आर्म है, OB इज इक्वल टू OB, ये हो जाएगा आपके पास कॉमन, देयरफॉर जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BOC के इस प्रॉपर्टी से SAS SAS, और यहां से रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा भी AB इज इक्वल टू BC CPCT, भी ए बी साइड बी सी के इक्वल आती है, सिमिलरली ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं बी सी आपकी डी सी के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू डी सी एंड डी सी इज इक्वल टू डी ए, डी सी इज इक्वल टू डी ए एंड डी ए इज इक्वल टू ए बी, हैंस हैंस आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, therefore A B C D is, देखो साइड इक्वल आने से ये आपका देखो स्क्वायर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट है, 90 पे है, तो ये तो स्क्वायर में भी होता है, रोम्बस में भी होता है,
तो आपको इसके लिए वन एंगल को 90 दिखाना पड़ेगा, तभी आपका ये रोम्बस किसमें कन्वर्ट होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। ओके, एबीसीडी इज रोम्बस, तो हमने क्या लिखा है, ये रोम्बस आ जाता है आपका। तो रोम्बस आ जाता है तो आपको या तो ए को 90 दिखाओ या बी को या सी को या डी को, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इस बेस के ऊपर ट्राइंगल को कोमेरेट प्रूव करते हो। तब आपने क्या किया, देयरफोर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी, तो यहां से हमने प्रूव किया ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो दोनों में है बेटा कॉमन आर्म, बी सी आपकी डी ए है। ओके, बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये हमने साइड अभी प्रूव कर दी है, सभी इक्वल है, और आपका ए सी और बी डी इक्वल है, डायगोनल इक्वल गिवन थे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। दोनों ट्राइंगल आपके ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आपका एस 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 प्रॉपर्टी से, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सी पी सी टी, बट दोनों कैसे एंगल हैं, दोनों का सम 180 है, राइट कर सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों इक्वल गिवन थे, या तो ट्वाइस ऑफ ए राइट करो 180, तो आपके पास एंगल ए क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ओके, तो एंगल ए 90 आने से, और ये रोम्बस है, देयरफॉर ए बी सी डी क्या बन जाएगा, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। ओके, कुछ टिपिकल नहीं था, फोर्थ का कन्वर्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है भी ये आपको फिगर गिवन है, गिवन में सेक्शन में है, गिवन में कहता है डायगोनल एसी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है आपके पास, पैरेललोग्राम है एंड ए सी बाइसेक्ट करता है भी, बाइसेक्ट एंगल ए, जो ए सी डायगोनल है ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको एंगल सी ऑल्सो, क्या एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, नंबर दो ए बी सी डी इज रोम्बस, ये आपका रोम्बस है, यानी साइड्स को आपको इक्वल प्रूव करना है, आगे सुन में। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और यदि अपोजिट साइड का मीनिंग है ए बी डी सी एंड बी सी डी ए, और एडसेंट इक्वल दिखा दें, यानी ए बी और बी सी को इक्वल दिखा दें, तो आपकी सभी चारों साइड इक्वल हो जाएंगे और ये आपका रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे सुन में, ठीक है। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में हमने किया है, वी नो दैट, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, वी एंगल एंगल सी है, एंड हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ सी आएगा, आ रहे सुन में, बी एंगल ए जब एंगल सी के इक्वल है तो एंगल ए का हाफ एंगल सी के हाफ के इक्वल रहेगा, देखो राइट कर लेते हैं, ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ओके, या ये भी कह सकते थे आप एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी आपका सही है, देयरफॉर ये कह सकते हो भी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट एंगल ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, तो ये वन और ये टू, ओके, ये आ जाएगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री आ जाएगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर आ जाएगा, यानी हैंड से ए सी बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, ये वाला रिजल्ट भी सही था, ये जो आपको ऐसे अच्छा लगेगा ऐसे कर लेना इसको, ओके, एंगल सी को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल वन और थ्री इक्वल हो जाते हैं,
देयरफॉर द ट्रायंगल एडीसी इज क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल है तो एडजेसेंट साइड भी आपके पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू डी सी, दीज आर एडजेसेंट साइड्स बट दीज आर एडजेसेंट साइड्स, ये तो एडजेसेंट साइड है, इट मीन सभी साइड इक्वल हो जाती हैं। दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए and since A, B, C, D is rhombus, ये आपका rhombus बन जाता है। तो students आज के लिए इतना ही, next video में जल्द हाजिर होंगे। video अच्छी लगी है तो like करें, share करें और channel को subscribe करना बिल्कुल ना भूलें। Okay, thank you, have a nice day.